एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज अपूर्वा एंड आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ सेंट एक्सपीडाइट के बारे में। मुझे कुछ वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि मैं उनसे रिलेटेड प्रेयर शेयर करूँ या फिर उनके जो रिचुअल्स हैं वो शेयर करूँ। सो बिफोर गेटिंग इनटू दैट टॉपिक, मुझे कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करनी थी अबाउट सेंट एक्सपीडाइट। देखो, यहाँ पे हम लोग किसी नॉर्मल यू नो एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल यहाँ पे यूनिवर्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक डीटी के साथ काम कर रहे हैं, शिवा पार्वती माँ काली डीटी, ठीक है। तो सेंट एक्सपीडाइट भी डीटी की कैटेगरी में आते हैं एंड इस केस में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे ऑफरिंग्स थोड़ी रिक्वायर्ड होती हैं, चढ़ाना जिसको हम बोलते हैं, चढ़ावा जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। जब हम किसी डीटी के साथ काम करते हैं, उस स्पेसिफिक डीटी की कुछ प्रेफरेंस होती है, उनके साथ काम करने का तरीका होता है। यहाँ हम लोग नॉर्मल यूनिवर्सल एनर्जी, नॉर्मल उस टाइप की एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हेयर वी आर वर्किंग विद डीटी, इसीलिए ऑफरिंग्स होती हैं। सपोज करें कि कोई मेरे साथ काम करना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक अलग पसंद होगी, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको मेरे साथ काम करना होगा। अगर आप किसी और के साथ काम करते हैं तो उस पर्सन के अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से डीटीज में भी होता है, ये एनर्जी होती है। ये बेसिकली एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर आप डीटीज के साथ काम करते हैं तो आपको ऑफरिंग्स करनी होती है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी अगर आप सेंट एक्सपीडाइट के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि अगर सेंट एक्सपीडाइट की जो फोटो है उसको अपसाइड डाउन या उल्टा करके रखें तो वो और जल्दी काम करते हैं। तो ये जो मिथ है ये बिल्कुल गलत है, ये डिसरिस्पेक्ट होती है उस स्पेसिफिक डीटी की, तो कभी भी ऐसा ना करें। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, सपोज आपने कोई विश उनसे मांगी, आपने कहा कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, इसके बाद आपका काम हो भी गया है, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, अगर आपका काम इनकी हेल्प से कंप्लीट हुआ है तो आपको इनके बारे में यू नो इंटरनेट पे बताना होता है, इंटरनेट पे या फिर कहीं भी किसी ग्रुप में जहाँ काफ़ी सारे लोग हो, मतलब इन शॉर्ट कि आपको इनके बारे में, आपको कोई काम बनता है तो इस विश के बारे में और सेंट एक्सपीडाइट के बारे में आपको लोगों को बताना होगा और लोगों को इन्फॉर्म करना होगा इनके रिगार्डिंग कि मैंने इनसे हेल्प मांगी थी, मेरा काम बन गया। आप किसी ब्लॉग पोस्ट में जाके इसको बता सकते हैं, किसी फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या फिर किसी यूट्यूब की वीडियो में शेयर कर सकते हैं, आप यूट्यूब की वीडियो बना सकते हैं उनके नाम पे। तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है, ठीक है। जितना मैंने इनके बारे में स्टडी किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपका काम होगा इनकी हेल्प से तो आपको उस चीज़ के बारे में बताना होगा और लोगों को भी। थर्ड चीज़ है ऑफरिंग। ऑफरिंग काफ़ी लोग इस चीज़ का मजाक बनाते हैं, काफ़ी लोग इसको यू नो ठीक नहीं मानते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, उस टाइप की बातें बेसिकली डेफिनेटली लोगों को कूल लगती होंगी, बट लेट मी शेयर समथिंग, अगर हम डीटी के साथ काम करते हैं ऑफरिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं एंड मोस्टली डीटीज के साथ हमारा गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, देंगे मिलेगा, सेम इन दिस केस। तो सेंट एक्सपीडाइट के साथ में आपको ऑफरिंग्स का हमेशा खास ख्याल रखना है। सपोज आपका कोई काम हो गया है तो ऑफरिंग में आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ आप पेनीज लाइक कुछ पैसे कॉइन्स 5 कॉइन्स आप उनको दे दीजिए, 1-1-1 के 5 रुपीज़ एक तरीके से 5 कॉइन्स उनको चढ़ा दीजिए। जब 3-4 दिन आपके वो रखे रहेंगे ऑल्टर में या फिर पूजा घर जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद उन कॉइन्स को कहीं पर दे दो, खुद ना रखें। सेकेंड है रेड वाइन आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं, रेड रोज उन्हें ऑफर कर सकते हैं। एंड एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मुझे उनकी लगी ऑफरिंग में, 1 पाउंड का केक लेके आना है, उसके 5 पीसेस करने हैं, उनको चढ़ा देना है, 4-5 डेज तक वहीं पे रखे रहने देना है। उसके बाद जब ऑफरिंग को 2-3 दिन हो जाएंगे, इसके बाद आप इसके 5 पीसेस जो आपके रखे हैं केक के, आप कहीं पे ज़मीन पे रख सकते हैं, किसी पार्क में रख के आ सकते हैं। इन शॉर्ट बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहीं साइड में वैसे रख दें जिससे कि किसी और को प्रॉब्लम भी ना हो, गंदगी भी ना फैले, यू नो रिस्पेक्ट के साथ उस चीज़ को रख दें सो दैट मदर अर्थ यू नो उसको ले पाए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 1 विश एट अ टाइम। जब भी हम उनके साथ काम करें, ये नहीं कि पूरी की पूरी लिस्ट आप उन्हें थमा दे कि मुझे ये भी काम करके दे, ये भी करें, ऐसा नहीं करना है, एक टाइम पे एक विश करनी है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, सो हमेशा जो भी आप प्रॉमिस करें रिचुअल स्टार्ट करने से पहले, प्रेयर स्टार्ट करने से पहले, जो भी आप मांग रहे हैं उस चीज़ से पहले, मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, जो भी आप बोलेंगे हाँ मैं ऐसा होने के बाद मैं आपको इतनी ये चीज़ करूँगा, ये चढ़ाऊँगा, तो वो चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि उसको भूल जाएं, वरना ये चीज़ बोली गई है जो भी आपका काम बना है वो उल्टा भी हो सकता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें।
अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, अगर 1% आपकी विश फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, तो जो आपने प्रॉमिस किया होगा इनके रिचुअल करने से पहले या प्रेयर करने से पहले, फिर वो ऑफरिंग आपको नहीं देनी है. आपको ऑफरिंग तभी देनी है जब आपका काम होता है. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कभी कभी हो सकता है कि आपकी जो विश है वो आने में थोड़ा लेट हो जाए या फिर एक वीक से ऊपर हो जाए, तो इट डजेंट मीन कि आप उस पर डाउट करना स्टार्ट कर दें. जस्ट हैव फेथ. कभी कभी आपको पेशेंस रखने भी जरूरी है ऐसे रिचुअल में. डजेंट मीन कि आप दोबारा से रिचुअल करना स्टार्ट कर दें, प्रेयर करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है. सो उस चीज को टाइम दें, उनको अलाउ करें आपकी हेल्प करने के लिए. तो यार, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय.